कोरोना वायरस की बीमारी के दौरान लगाए गए कर्फ्यू में हमीरपुर में कुछ ग्राम पंचायतों में पीएम रिलीफ फंड के नाम पर पैसे इकट्ठे करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार अनुकला पंचायत में पंचायत के प्रतिनिधियों द्वारा घर घर जाकर कोरोना वायरस के बचाव के लिए फंड इकट्ठा किए जाने के लिए पैसे लिए जा रहे थे, जिस पर ग्रामीणों ने विरोध जताया है। वहीं इसकी शिकायत ग्रामीणों के द्वारा मुख्यमंत्री शिकायत नंबर 1100 पर भी की गई है और जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी ईमेल के द्वारा अवगत किया गया है। कोरोना वायरस की बीमारी से लड़ने के लिए फंड इकट्ठा करने को लेकर ग्रामीणों से पैसे एकत्रित किए जा रहे हैं, लेकिन इस तरह की कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं होने पर ग्रामीणों ने गहरा ऐतराज जाहिर किया है। सूत्रों के अनुसार हमीरपुर जिला की ग्राम पंचायतों में इस तरह पंचायत प्रतिनिधि अपने स्तर पर ही लोगों से फंड इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन इसकी कोई भी रसीद तक नहीं दी जा रही है, जिससे इस तरह कोरोना बीमारी के चलते पैसों के गोलमाल होने की आशंका बन रही है। अनुपंचायत के घनाल गांव के निवासी मुकेश पटियाल ने बताया कि पंचायत के प्रतिनिधियों ने गांव में घूमकर कोरोना वायरस के नाम पर पैसे इकट्ठे किए हैं, लेकिन इस बारे में जब पता किया गया तो इस तरह की सरकार की कोई भी नोटिफिकेशन पंचायतों को जारी नहीं की गई है। परसों की बात है जी, मेरे अनुपंचायत के जो हमारे वार्ड मेंबर हैं वो हमारे घर द्वार में आए थे, डोर टू डोर लोगों ने जो है वो पैसे कलेक्शन किए और ये हमें बोला गया जी कोरोना की COVID-19 शिकायत मैंने शिमला में CMO ऑफिस में CM पोर्टल में 1100 नंबर में मैंने कंप्लेंट की है जी कि जो हमारी पंचायत है अनुपंचायत जो है जिसके वार्ड मेंबर जो हैं वो हमारे घर में डोर टू डोर आए थे और ये बोल के जी सरकार द्वारा की नोटिफिकेशन है और जो है वो हम कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो है वो फंड इकट्ठा करने जा रहे हैं तो आप भी अपना जो है वो उसमें योगदान दें, ये बोल के जी सरकार द्वारा की नोटिफिकेशन है। तो हमने CM ऑफिस में जो है वो मैंने टेलीफोनिकली भी संपर्क साधा, 1100 नंबर पे मैंने कंप्लेंट की है कि जी इस तरीके की अगर कोई नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन दिखाई जाए, पर बाद में हमने जो भी संबंधित विभागों से हमने टेलीफोनिकली संपर्क साधा तो पता चला कि इस तरीके की कोई नोटिफिकेशन नहीं है और जो भी पंचायत के हमारे जो प्रधान लोगों ने जो है वो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं वो अपने लेवल पे ही लोगों को मतलब फंड इकट्ठा कर रहे हैं और जिसकी कोई भी रसीद वगैरह और कोई भी मापदंड नहीं रखा जा रहा। इसकी शिकायत सर मैं जो हमारे DC साहब हैं हरकेश मीणा जी उनको मैंने मेल की है और 1100 नंबर पे भी मैंने कंप्लेंट की है और तीसरा जी एक हेल्पलाइन SMS हेल्पलाइन शिमला में है वहाँ पे भी मैंने SMS के माध्यम से कंप्लेंट की है जो कि संबंधित विभागों को फॉरवर्ड कर दी गई है। अभी तक जी जैसे मेरी बात हुई है तो उन्होंने बोला है कि जी जल्दी ही जो है वो हम इसमें कार्रवाई करेंगे, जो भी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं या बिना नोटिफिकेशन के जो मतलब ये पैसा इकट्ठा करें उसके प्रति अगर लॉ के मुताबिक अगर होगा तो देन ये हम आपको बता देंगे, अगर लॉ के खिलाफ होगा तो वी विल टेक डिस्ट्रिक्ट एक्शन। उन्होंने इस तरह पैसे इकट्ठे किए जाने के मामले पर घोटाले की शंका जाहिर की है, क्योंकि किसी भी पंचायत प्रतिनिधि के द्वारा पैसों के लेने के बाद रसीद नहीं दी जा रही है। उन्होंने बताया कि इस मामले की शिकायत 1100 नंबर पर की गई है और जिला उपायुक्त हमीरपुर को भी ईमेल से शिकायत भेजी है, लेकिन अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है। अब सर मैंने यही है कि ये अच्छी पहल है कि पैसे इकट्ठे करने चाहिए, लेकिन इसमें मुझे धांधली की बू आ रही है क्योंकि लोगों को ये बोल के गुमराह करके पैसे लिए जा रहे हैं कि सरकार द्वारा की नोटिफिकेशन है, जबकि दूसरी तरफ सरकार द्वारा की कोई नोटिफिकेशन नहीं है। और हमने और भी पंचायतों में संपर्क किया है तो और BDO से भी हमने संपर्क किया है तो वहाँ पे भी हमें यही पता चला कि कोई भी इस तरीके की कोई नोटिफिकेशन नहीं है। हाल ही में आज के न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है जाओ में जो है वो प्रधान के ऊपर मतलब प्रशासनिक कार्रवाई हो गई है करने जा रहे हैं प्रशासन, क्योंकि उन लोगों ने भी अवैध तरीके से जो लोगों से पैसे की वसूली की है कोरोना नाम के वायरस से लड़ने के लिए। इसकी शिकायत सर आज मैंने मेल करनी है क्योंकि पिछले कल छुट्टी थी सरकारी अवकाश था, तो आज मैंने जो है उनसे मैंने टेलीफोनिकली बात करनी है और उनको मैं लिखित में जो है शिकायत पत्र दूंगा कि जी जो भी जो है वो पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं प्रधान लोग हैं वो अपनी जो है वो बिना नोटिफिकेशन के, जबकि जो शिमला में किसी मंत्री या किसी को पता नहीं है कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है, तो ये मैं आज लिखित में शिकायत दूंगा और फिर जो भी अगर लॉ बोलता है कि ठीक है मतलब ये जायज़ है तो फिर ठीक है जी, तो हम सहमत हैं और मुझे लगता है कि ये जायज़ नहीं, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में जो है वो डोर टू डोर जो है ये लोग घर में जा रहे हैं, जबकि पंचायत हमारी पंचायत की मैं बात करूं तो वहाँ हमारी पंचायत में किसी को भी जो है वो ये नहीं दी गई, ना सैनिटाइज किया गया मतलब गलियों को गलियारों को और ना ही किसी किस्म का जो है वो मास्क दिए गए, हालांकि जो हम जो वार्ड पंचायत है उन्होंने भी ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं दी ना कोई हिदायत दी, उन्होंने खुद भी मास्क नहीं पहने हुए थे जिससे किस वाले निशान जो है हमारी पंचायत अनुपंचायत के ऊपर लगता है।